सैमसंग गैलेक्सी H24 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स 18 जनवरी 2024 को लॉन्च हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीनों स्मार्टफोन्स के एकदम डिटेल स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन तीनों स्मार्टफोन्स का इंडिया में क्या प्राइस होगा। और मेरे भाई, ये जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं ये ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं सैमसंग गैलेक्सी H24 अल्ट्रा से। सैमसंग गैलेक्सी H24 अल्ट्रा में 6.8 इंचेस का एक क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डायनेमिक एमोलेड 2X LTPO OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा, 10 बिट के कलर्स होंगे, डॉल्बी विजन भी होगा, 2600 नीट्स का पीक ब्राइटनेस होगा, 500 का PPI होगा, कॉररिंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर्ड का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा। ये कॉररिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से भी बेहतर आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन देगा। और भाई, कॉररिंग गोरिल्ला ग्लास का ये सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा जो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी H24 सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ ही डेब्यू करेगा। अब देखो यार, बहुत सारे भाई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर दौड़ेगा, सुफियान भाई ये तो वही सेम डिस्प्ले स्पेक्स दे रहा है जो H23 अल्ट्रा दे देता है, क्या चेंजेस हैं? ज्यादा कुछ नया तो देखने को मिल ही नहीं रहा है। अब देखो यार, नया क्या मिल रहा है ये बता देता हूँ। पहली बात, सैमसंग गैलेक्सी H23 सीरीज के फोन्स में सैमसंग का M11 डिस्प्ले यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर और बेहतर यूज किया जा रहा है M13 OLED डिस्प्ले है, ये नया है और H24 सीरीज के तीनों फोन्स में मिलेगा। दूसरी बात, सैमसंग गैलेक्सी H24 अल्ट्रा में आपको बेहतर स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है और फ्लैट डिस्प्ले है। हाँ, ये भी चेंज है तो बताना तो पड़ेगा ही। चलो कैमरास की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी H24 अल्ट्रा में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जहां पर आपको OIS मिल जाएगा सैमसंग के HP3SX कैमरा सेंसर के साथ। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, यहां पर सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, यहां पर भी सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो, यहां पर सोनी का सेंसर यूज किया गया है। 12 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा, यहां पर भी सैमसंग का सेंसर है। जो वाइड एंगल लेंस है वहां पर भी OIS है, जैसा कि मैंने कहा। टेलीफोटो लेंस में भी OIS है और पेरिस्कोप टेलीफोटो में भी OIS है, केवल अल्ट्रा वाइड में नहीं है, ठीक है। आप रियर कैमरा से 2x, 3x, 5x, 10x ऑप्टिकल जूम कर लोगे और 100x डिजिटल जूम कर लोगे, यानी कि स्पेस जूम कर लोगे। सैमसंग का ब्रांडिंग है, सोचा कि बता दूं तो कुल लगूंगा। 8K में 30fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 4K में 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, स्लो मोशन वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। अगर वो डिटेल में बताने चला गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी है उसके थ्रू 4K में 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे। और इस बात को ध्यान में रखना, सैमसंग के जो H24 सीरीज के फोन्स हैं उनमें AI फीचर्स भर भर के मिलेंगे। लिटरली सैमसंग यही चिक चिक के प्रचार करेगा कि ये हमारे AI फोन्स हैं। आपको भर भर के AI इंटीग्रेशन देखने को मिलेंगे सैमसंग के H24 सीरीज के तीनों ही फोन्स में, और कैमरास में तो भर भर के AI फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे ना, आप बोलोगे भाई क्या बवाल चीज़ बना दिया। पिक्सल 8 सीरीज के रिव्यूज़ को जाके देख लो, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सैमसंग उससे भी आगे निकलेगा। खैर, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्वालकॉम का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। लेकिन ये स्पेशली क्वालकॉम ने सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी H24 सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए बनाया है, जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 फॉर गैलेक्सी। ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। एडिनो 750 का GPU मिल जाएगा और ये स्पेशली सैमसंग के H24 सीरीज के लिए इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि बेहतर ऑप्टिमाइजेशन मिले और बेहतर AI इंटीग्रेशन किया जा सके एंड बेहतर स्पेसिफिकेशंस दिए जा सकें प्रोसेसर के अंदर में, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर में भर भर के स्पेसिफिकेशंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं वो इतना अनलॉक नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन सैमसंग ने अपने हिसाब से डिजाइन करवाया, मॉडिफाइड करवाया, ऑप्टिमाइज करवाया एंड अपने H24 सीरीज के फोन्स में लगाया, जैसे कि पिक्सल सीरीज के फोन्स में गूगल करता है। चलो मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का शोई सपोर्ट, LPDDR5X रैम टाइप, 5000 mAh बैटरी मिलेगा, 45W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा और चार्जर बॉक्स में नहीं होगा, याद रखना। 15W के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 4.5W के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा। ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, हाँ ये थोड़ा सा बढ़ सकता है।
एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, वन यूआई 6 के लेटेस्ट वर्जन पे रन करेगा। अब मुझे यहां तक पता चला है वन यूआई 6.1 पे रन करेगा या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन हो। 5 साल तक आपको अपडेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, वो पता लगे कि सैमसंग आके स्टेज पे बोल दे कि हम भी गूगल की तरह 7 साल तक अपडेट देंगे, तब तो मजा आ जाएगा यार। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड होंगे, तो साउंड क्वालिटी एक नंबर रहेगा। एनएफसी भी होगा, वाईफाई 7 होगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 होगा और एस पेन भी देखने को आपको मिल जाएगा। और कमाल का वाइब्रेटिंग मोटर देखने को मिलेगा जो कमाल के आपको हैप्टिक्स देगा, काफी अच्छे वाइब्रेशंस होंगे। और मेरे भाई, सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के कंपैरिजन में, खास के S23 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, S24 अल्ट्रा में आपको 1.9x बड़ा और भी अच्छा VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी S24 में आपको 6.2 इंचेस का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डायनेमिक एमोलेड 2X LTPO OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, 10 बिट के कलर्स होंगे, HDR 10 प्लस भी होगा, डॉल्बी विजन भी होगा, 2600 नीट्स का पीक ब्राइटनेस होगा, 425 के आसपास का PPI देखने को मिल जाएगा और आपको सबसे बेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर्ड का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 से भी बेहतर है। चलो कैमरास की बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा यानी कि 50 मेगापिक्सल का, यहाँ पर OIS आपको मिल जाएगा। अब मुझे जहाँ तक पता चला है यहाँ पर सोनी का सेंसर है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स मुझे पता चले थे कि यहाँ पर सैमसंग का सेंसर है। खैर, यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, ये सैमसंग का सेंसर है, और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिल जाएगा, ये भी सैमसंग का सेंसर है, और यहाँ पर OIS भी है मेरे भाई। आप 2x, 3x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 30x डिजिटल जूम कर लोगे, 8K में 30fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 4K में 60fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 12 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा जो एक वाइड एंगल लेंस है, इसके थ्रू 4K में 60fps पे आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको सैमसंग का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा, सैमसंग एक्सिनोस 2400। देखो यार, डरो मत, सैमसंग गैलेक्सी S24 का स्नैपड्रैगन वाला वर्जन भी आएगा और वो इंडिया में आएगा, ठीक है, एक्सिनोस वाला नहीं आएगा, तो फिकर मत करो। तो यहाँ पर आपको 8 जेन 3 गैलेक्सी मिलेगा, फिकर मत करो, जो 4nm पे होगा, एडिनो 750 का GPU होगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। खैर, मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का शोई सपोर्ट, LPDDR5X रैम टाइप, 4000mAh बैटरी, 25W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और चार्जर बॉक्स में नहीं होगा, 15W के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, 4.5W के रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, वन UI 6.1 या फिर वन UI का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो मिल जाएगा आपको, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड होंगे, NFC भी होगा, वाईफाई 7 होगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 होगा, कमाल का VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी होगा, बहुत ही अच्छा वाइब्रेटिंग मोटर होगा, तो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस की बात कर लें तो सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, नहीं तो फ़ोन बिल्कुल S24 ही है। यहाँ पर आपको बड़ा स्क्रीन साइज मिल जाएगा, 6.7 इंचेस का क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डायनेमिक एमोलेड 2X LTPO OLED डिस्प्ले मिल जाएगा। बाकी वही डिस्प्ले स्पेक्स हैं जो आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा देता है और S24 दे देता है। और यहाँ पर अगर PPI की बात करें तो 393 से लेके 400 तक का PPI देखने को मिल जाएगा। कैमरास भी आपको वही देखने को मिलेंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी आपको दो वर्जन देखने को मिलेंगे, एक्सिनोस 2400 वाला और 8 जेन 3 गैलेक्सी वाला। लेकिन बैटरी सेक्शन में चेंजेस किए गए हैं, 45W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा 4900mAh बैटरी के साथ, बाकी सब कुछ वही है जो सैमसंग गैलेक्सी S24 और S24 अल्ट्रा दे देते हैं। चलो अब बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो यार, डिजाइन वाइज सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के फोन्स बिल्कुल S23 सीरीज के फोन्स के जैसे ही दिखाई देते हैं, बस माइनर से चेंजेस किए गए हैं, थोड़े से डायनेमिक्स में, थोड़े से आपको कलर्स नए देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, वो हम लोग ऑफिशियल वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मेरे भाई, बिल्ड वाइज बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलेगा, जो पीछे ग्लास यूज किया जाएगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का होगा, नहीं तो उससे भी बेहतर होगा,
एस पेन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और IP68 का रेटिंग तो रहेगा ही रहेगा। सैमसंग गैलेक्सी S24 और सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस में आपको बेहतर एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा। सैमसंग का आर्मर्ड एल्यूमिनियम 2.0 टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा जो और ड्यूरेबल है, मजबूत है अगर सैमसंग गैलेक्सी S23 या फिर S23 प्लस से कंपेयर मारोगे। और यार IP68 का रेटिंग तो दोनों ही फोन्स में होगा। जो पीछे ग्लास यूज किया जाएगा वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का होगा या फिर उससे बेहतर होगा, और आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 या फिर उससे बेहतर स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और मेरे भाई आपको सारे ही फोन्स में कमाल कमाल के कलर्स देखने को मिलेंगे जो आपके दिल को छू लेंगे। मेरे को पर्पल कलर काफी अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा कलर अच्छा लगा। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, सैमसंग का जो गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट है वो जनवरी के 18 तारीख को हो रहा है और उसी दिन सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के स्मार्टफोन्स हर जगह लॉन्च हो जाएंगे, हमारे इंडिया में भी लॉन्च हो जाएंगे उसी दिन। अब बात करते हैं रैम वेरिएंट्स और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में। यहां पर आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस, इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 12GB रैम देखने को मिलेगा 256GB स्टोरेज और 512GB स्टोरेज के साथ। लेकिन जो S24 है उसके साथ फिर से नाइंसाफी हुआ, केवल 8GB रैम ही देखने को मिलेगा 128GB स्टोरेज और 256GB स्टोरेज के साथ। ये अच्छा बात नहीं है सैमसंग यार, एटलीस्ट 12GB रैम वाला वर्जन तो दे ही सकते थे। चलो अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का जो बेस वेरिएंट होगा 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, वो इंडिया में आपको दिखाई देगा 1,30,000 रुपए से शुरू होता हुआ, उसी के आसपास प्राइस होगा। सैमसंग गैलेक्सी S24 का जो बेस वेरिएंट होगा 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, उसका प्राइस आपको इंडिया में दिखाई देगा 75,000 रुपए के आसपास, 75,000 रुपए 80,000 रुपए के आसपास। सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस का जो बेस वेरिएंट होगा 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, आपको 95,000 रुपीज के आसपास दिखाई देगा, 95,000 रुपए के आसपास। आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के स्मार्टफोन्स का इंडियन प्राइस दिखा दे रहा हूँ जब वो लॉन्च हुए थे इंडिया में, तो उसी के आसपास आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के स्मार्टफोन्स का भी इंडियन प्राइस दिखाई देगा। मेरे भाई आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको तीनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा, और आप तीनों में से किसी को खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी शेयर कर देना अपने भाई के साथ कमेंट करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो लाइक जरूर से करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर भी कर देना इस वीडियो को। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.